कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसके कुत्ते के साथ गुफा में आया था, जो कि एक बॉक्स के अंदर खजाना छुपा रहा था। साथ में उस जगह का नक्शा भी बनाया था कि वो बाद में भी आ सके। जब वो यहाँ से जा ही रहा था कि गुफा अचानक से हिलने लगती है, जैसे कि कोई भूकंप आया हो। बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। उस आदमी का डॉग तो दूसरी तरफ चला गया, लेकिन वो आदमी वही फंस गया। वो अपने कुत्ते को एक संदूक और साथ में उस जगह का नक्शा भी दे देता है और उस कुत्ते को कहता है कि जाओ, यहाँ एक दूर चुड़ैल रहती है, उसके पास जाकर दे दो। कुत्ता ऐसा ही करता है, लेकिन वो आदमी वही फंस जाता है। साथ ही उसका कुत्ता उस चुड़ैल के घर पहुँच जाकर उसको सारी चीजें दे देता है। कहानी में हम आगे का सीन देखते जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उसी आदमी का परपोता था। वो गुफा में दफन होकर मर गया था। वो अपने बच्चों और उनके दोस्तों को कहानी सुना रहा था कि कैसे उसके दादा ने गांव में खजाना छुपा के रखा है। यहाँ पर हमें पता चलता है जो आयमेट का बेटे का दोस्त था, उसके अंकल से कुछ पैसे लिए थे। वो आदमी अब उधर ही आयमेट से पैसे लेने आ गया था, साथ में बहुत सारा इंटरेस्ट भी मांग रहा था। वो आयमेट को नोटिस देता है 5 दिन के अंदर अंदर उसके सारे पैसे लौटाने होंगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका घर और फॉर्म जब्त किया जाएगा। वो आदमी सब कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद कुछ लोग एक गाड़ी में एमेट के दादा का कुछ सामान लेकर आते हैं। वो मरते हुए एमेट के नाम कर गए थे। उसको एक बड़ा सा बॉक्स दिया जाता है। उसको देख कर एमेट बहुत खुश होता है। वो सोच रहा था कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे जो कि हमारे काम आएंगे, मैं अपना सारा कर्ज वापस कर दूंगा। उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें एक कुत्ता होता है, उसको टिम्पल बुलाया करते थे। वो उसको अपने बच्चों को देखकर उसके दोस्त के साथ शहर में कुछ काम के सिलसिले में चला जाता है ताकि वो कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सके और अपने बड़ी बेटी को ये जिम्मेदारी देता है कि सब बच्चों का ख्याल रखे। उसका बेटा उसके दोस्त के बेटे के साथ वो बॉक्स अंदर उठा कर लेकर आता है जिसमें टिम्पल था। उसको उस बॉक्स में से उसके दादा की तस्वीर और साथ में नक्शा मिलता है जिसको उसके दादा ने गुफा में छुपाया था। एमेट का बेटा बहुत खुश होता है और सोचता है खजाने वाली बात बिल्कुल सच है। अब वो उस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं। बड़ी बहन आती है और कहती है मैं पार्टी में जा रही हूँ, प्लीज घर पर रहना और घर से बाहर मत निकलना। उसके जाने के दोनों बच्चे अपने ज़रूरत का सामान लेते हैं और साथ में उनके डॉग को भी लेकर खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो सबसे पहले वही जाते हैं उसी गुफा में जो हमने कहानी के शुरू में दिखाई थी। ज़मीन पर कुछ नज़र आता है। जब वहाँ से मिट्टी हटाते हैं तो उन्हें एक बॉक्स मिलता है। एमेट का बेटा जिसके गले में वो चाबी थी जो उसके डैड ने दी, चाबी से वो बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं खुल रहा था। तभी उसके डैड के दादा का डॉग टिम्बर के गले में चाबी नजर आ इसीलिए वो चाबी को लेकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लग, जिससे वो बॉक्स खुल जाता है। उसके अंदर से एक लोहे का टुकड़ा और आगे जाने का नक्शा मिलता है जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और आगे जाने लगते। मगर वो आदमी भी उनका पीछा कर रहा जिसने एमेट को उधर पैसे दिए थे, क्योंकि उस वक्त एमेट के दादा खजाना छुपा कर वापस आ रहे थे। जो गुफा में भूकंप आया था उसे आदमी के दादा ने ब्लास्ट करवाया था, वो भी इस खजाने की तलाश में थे। एमेट के बेटे ने और उसके दोस्त ने भी उसे देख लिया, इसीलिए वो आदमी अपने कुछ साथियों को उनके पीछे लगा देता है। तो यहाँ से भाग गए थे और नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। आगे जाकर उनके डॉग उल्टा लेटते हैं तो उन्हें एक पहाड़ नजर आता जिसको उल्टा लेट कर ही देखा जा सकता था। वो डॉग उनको भी देखने को कहते है। एमेट का बेटा और उसके दोस्त देखते है तो उन्हें भी वो पहाड़ नजर आ जाता है। जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक सोने का सिक्का मिलता है जिसको देखकर दोनों बहुत खुश हो गए थे। अब दोनों सोचते हैं कि बिल्कुल सही रास्ते पर है। थोड़ा सा आगे जाकर उनको एक पत्थर दिखाई देता है, उस पर लिखा था कि आगे जाकर खजाना लेना है तो उसी तरफ जाना होगा जहाँ पर यह पहाड़ी इशारा करता है। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगा। ये दोनों और उनके डॉग पानी में तैर कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुँच कर ये बहुत ज़्यादा थक गए, थकावट के साथ साथ भूख भी लगी थी। वो सोचते हैं क्यों ना मछलियाँ पकड़ कर पका लिए जाए, क्योंकि खाने पीने का सामान वो लाए नहीं थे।
उधर उनके डॉग लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। उन्हें एक सुराग नजर आता है। इधर घर पर एमेट की बड़ी बेटी वापस आ गई थी। घर में अपने भाई को नहीं देखती तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। घर पर एमेट उसके दोस्त के साथ आ गया था। जब ये बच्चों के बारे में पूछ, एमेट की बड़ी बेटी झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्त के घर गए हैं। इधर एमेट का बेटा उसके दोस्त के साथ खजाने की तलाश में था। उनको जंगल में एक सुराग मिलता, एक घंटी और कुछ पुरानी चीज़ें मिलती है। उस घंटी पर कुछ लिखा था। एमेट के बेटे की दोस्त उसे समझाने लगती। उसको पता चल गया था, वो कहती है कि हमें आगे जाने का रास्ता बताएगी। तभी उधर एक भेड़िया आ जाता है। उसको देखकर सब डर गए थे। एमेट का बेटा उसके ऊपर बैग फेंक देता, जिससे वो भाग गया था। दूसरी तरफ वो आदमी बच्चों का पीछा खजाना हासिल करने के लिए कर रहा था। उनके पास भी वो भेड़िया आ जाता है। उसे देखकर सभी डर गए थे और जाकर अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस आदमी के पास ऐसा डिवाइस था जिससे बिजली के झटके दिए जा सकते। वो बिजली के झटके देने वाला डिवाइस जब भेड़िए पर इस्तेमाल करने वाला था, गलती से वो चल जाती है और बिजली के झटके उसके साथी और उसको लग जाते हैं। इधर एमेट को बच्चों नहीं मिलते तो परेशान होकर वो उनको ढूंढने निकल जाता। एमेट के बेटे के दोस्त के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस था, उसकी मदद से एमेट बच्चों को ढूंढने निकल गया था। बच्चे आगे बढ़कर उसी जादूगरनी के घर पहुंच गए थे, जिसको बहुत साल पहले एमेट के दादा के डॉग ने एक बॉक्स और कुछ सामान दिया था। वो जादूगरनी कोई आम जादूगरनियों की तरह नहीं थी, वो एक अच्छी जादूगरनी थी। वो बच्चों को ऐसे थका हुआ देखकर अंदर आने के लिए कहती है। एमेट के बेटे के दोस्त के चोट पे दवाई लगाती है। वो बताती है कि मैं अपने माँ के साथ यहीं पर रहती, जो कि अभी बाहर गई है। एमेट का बेटा जब अपने बारे में बता, जादूगरनी कहती है उसके डैड के दादा का नाम लेकर क्या तुम उन्हें जानते हो? वो कहता है हाँ। वो कहता है वो मेरे डैड के दादा थे। तभी जादूगरनी उसे एक बॉक्स देती है जो बहुत सालों पहले उसके डैड के दादा का डॉग देकर गया था। वो बताती है कि मेरे खानदान के लोगों ने इसे संभाल कर रखा था, अगर तुम उनके रिश्तेदार हो तो इसे ले सकते हो। एमेट का बेटा का उस बॉक्स को अपने गले में लगी हुई चाई से खोल देता है। उसमें एक कुलाड़ी और आगे जाने का नक्शा मिलता है। बच्चे जब बाहर देखते हैं तो बाहर वही आदमी आया था, वो इनका पीछा कर रहा था। मगर वो जादूगरनी अपने घर के खुफिया रास्ते से उन बच्चों को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। जादूगरनी के दरवाजे पे वो आदमी भी आ गया था जो कि बच्चों का पीछा कर रहा था। वो जादूगरनी से पूछता है कि बच्चे कहाँ पर है। वो झूठ बोलती है और बताती है कि मैं नहीं जानती बच्चे कहाँ पर है। इसको अपनी बिजली के झटके देने वाले डिवाइस दिखाकर डराता है। वो कहता है देखो अगर तुमने सच नहीं बताया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। उधर बच्चे अपने आखिरी मंजिल तक पहुंच गए थे, पर वहाँ पर एक झरना था और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अचानक ही उनको डॉग को ज़मीन पर कुछ निशान दिखाई देता है। वो शोर कर उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। निशान में एक छोटा लोहे का टुकड़ा और कुल्हाड़ी और घंटी रखने का निशान, जो जो चीज़ें अभी तक उनको मिल चुकी थी। उन चीज़ों को उधर लगाते ही पत्थरों के द्वारा एक रास्ता खुल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते। वही आदमी आ गया था जो कि इनका पीछा कर रहा था। वो कहता है शुक्रिया बच्चों खजाने को ढूंढने के लिए। उस रास्ते पर जा ही रहा था कि अचानक से गुफा में से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलने लगते, जिससे सबका ध्यान भटक गया था। इस बात का फायदा उठाकर एमेट का बेटा उन सब चीज़ों को निकल कर अपने दोस्त और डॉग के साथ अंदर जाता है। उसके अंदर जाने के बाद रास्ता बंद हो जाता है। अंदर आते ही इधर उधर खजाना ढूंढने लगते हैं। ये वही गुफा थी जहाँ एमेट के दादा ने खजाना छुपाया था। सब ट्रॉली में सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो आदमी जो खजाने का पीछा कर रहा था वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर रास्ता खोल लेता है। बॉम्ब की फटने की आवाज़ एमेट भी सुन लेता है, वो भी उधर पहुंच चुका था। अंदर गुफा में एमेट के बेटे को वही संदूक मिल चुका था जो एमेट के दादा ने छुपाया था। वो जब उसको खोलते तो उसमें सिर्फ हड्डियाँ थी। वो सोचते कि इतनी मेहनत करने के बाद हमें सिर्फ एक पुरानी हड्डियाँ मिली है, क्या फ़ायदा हमारी इतनी मेहनत का। टिम्बर को एक सोने की हड्डी मिल जाती है। वो थोड़ा आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारा सोना था। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने खजाना ढूंढ लिया। लेकिन वो आदमी जो खजाने की तलाश में था वो भी वहाँ सबको पकड़ लेता है।
उधर जादूगरनी का डॉग भी आ गया था जो उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी सारे डॉग उसके आदमियों पर भी हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी का हाथ बॉम्ब पर गलती से पड़ जाता है। तभी वो जलने लगी थी, पूरी गुफा हिलने लगी थी। सब लोग जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो आदमी खजाने के पीछे था। वो सबको कहता है ये खजाना मेरा है। बिजली के झटके देने वाले डिवाइस से सबको डराता है। तभी एमेट के बेटे के डॉग उस पर हमला कर देते हैं। वो डिवाइस गलती से चल जाती है। उसके चलते ही उसको और उसके साथियों को झटके लगने लगते हैं, जिस पर सब हंस रहे थे। लेकिन एमेट अभी भी परेशान था क्योंकि उस खजाने तक जाने का रास्ता बंद हो गया था। वो सोचता है कि अब तो 5 दिन बाद उसको घर खाली करना ही पड़ेगा। तभी उधर टिम्बर एक सोने की हड्डी लेकर आता है। अब उनको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। एमिट सोचता है कि इसको बेचकर तो हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, जिससे उनका घर भी बच जाएगा। मूवी की आखिर में दिखाया जाता है एमिट के बेटे को एक जानवर के कंकाल में से एक और खजाने का नक्शा मिल जाता, जिसको देखकर ये बहुत खुश होते हैं और फैसला करते हैं कि इस खजाने को भी वो ढूंढेंगे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।